आगरा के मनकामेश्वर मंदिर पर आयोजित भंडारे में बतौर अतिथि पहुंचे एक मुस्लिम युवक के द्वारा माथे पर चंदन का टीका लगवाने पर समुदाय विशेष के युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में बीते कुछ दिन पूर्व भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजन में एक राष्ट्रीय टीवी न्यूज चैनल से जुड़े ये युवक को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजन के दौरान अतिथियों के माथे पर चंदन का टीका लगाया गया था। मंटोला के निवासी इमरान अरशद उर्फ यानी हाजी कुरेशी, लाला कुरेशी समेत कई लोगों द्वारा उक्त आयोजन की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर धार्मिक टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण से शिकायत की गई थी। एडीजी के निर्देश पर आगरा एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर पुलिस ने 5 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में हिंदूवादी नेताओं ने तिलक लगाने वाले युवक का सम्मान करने और सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति लागू रखने पर मंदिर के लोगों का धन्यवाद किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सुकन्या शर्मा के द्वारा फोर्स के साथ मंटोला थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से अमन चैन और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पकड़ के लिए टीम गठित की गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।